एकदम ही ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो रहा है। तो जो आगे दो लोग चले गए थे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और दिस इज द टेम्पल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे तो एग्जाम्स के बाद अभी हमारा घूमने जाने का प्लान बना है, और क्योंकि आज जिगर भाई भी फ्री थे तो जिगर भाई को भी हम अपने साथ उठा दे रहे हैं। और हम लोग आज जा रहे हैं देवलसरी मंदिर, जो कि पड़ता है, कहाँ पड़ता है, 90 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, धनौल्टी से थोड़ा ऊपर को है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, देवलसरी गाँव करके वहीं पे पड़ता है। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के 7 बजे। तो निकल चुके थे देवलसारी मंदिर जाने के लिए और ये धनौल्टी वाले रूट से होते जाते हैं। और यहाँ का अगर मैं तुम्हें व्यू दिखाऊं, और भाई यहाँ का व्यू देख सकते हो तुम लोग, कितना तगड़ा व्यू लग रहा है। बाकी बारिश की हमें उम्मीद थी और होपफुली बारिश होनी रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मसूरी और अभी हम यहाँ गिल हो चुके हैं रास्ते में, और कोहरा देख सकते हो तुम, काफी ज्यादा कोहरा लगा पूरे रास्ते पर। बढ़िया लग रहे हो तुम भाई। क्या हुआ, क्या देख दिया सर? चश्मा नहीं पहन रहे हैं यार। इसके आईब्रो देख, काला चश्मा। अरे अरे वो है आईब्रो में। अरे वो पानी से जम गया यार। हाँ तो रुको दोस्तों, हम निकल तो गए थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन रास्ते में थोड़ी बारिश हो रही थी तो हम रेनकोट पहनने के लिए रुके थे। और यहाँ पे भाई पूरे उत्तराखंड पुलिस वाले बन के आए अपने पिताजी का पहन के। अब कोई चालान नहीं काटेगा हमारे रास्ते पर, चले भाई। गाइस यहाँ के रास्ते की हालत देख सकते हो, हालत तो क्या मतलब, एकदम ही ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें गाड़ी चलाने में, और व्यू तो भाई ऊपर से भी बहुत बड़ा आएगा, व्यू की तो बात है। बाकी जाते हैं, 9 किलोमीटर बचा है देवलसरी, और अगर हम ऊपर देखें तो एकदम कोहरे वाला माहौल तो हो रहा है। होपफुली मंदिर के पास भी अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक कोहरा लगाओ तो अच्छा व्यू आएगा काफ़ी, मतलब व्यू तो क्या मस्त, मज़ा आएगा। तो 5 किलोमीटर अराउंड देवलसरी मंदिर बचा, और यहाँ पे सब लोग रिफ्रेशमेंट लेते हो धारे का ठंडे ठंडे पानी से, और व्यू दिखा दो यहाँ पे हमें आज तक में। अबे बारिश होने लग गई भाई थोड़ी थोड़ी, और वो देख नीचे कीचड़ में दिख रहा होगा, बारिश होने लग गई, रेनकोट पहनने पड़ती लग रहा है। फाइनली पहुँच चुके हैं हम टेम्पल के पास, और हमने स्कूटी लगा दी पार्क पे। यहीं पे टेम्पल के पास एक छोटी शॉप है, तो हम सोच रहे हैं कुछ स्नैक्स ले लेते हैं बैग में। एक्चुअली हम जितने भी आए हमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, हमने सोचा था मंदिर जाने से पहले क्या ही खा के जाएँ, तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ ले लेते हैं छोटा मोटा खाने के लिए, कि वहीं आराम से जंगल हो गए बीच बैठ उठ के खाएंगे। वो है शायद वो। हाँ सही जा रहे हैं, तो दिक्कत है वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ कैसे हो सकता है, इस साइड ही होगी। अरे चलो चलो होगा। तो दर्शकों फाइनली हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया गया, और प्रियांश भाई ने सारा अपना फैशन दिखा दिया, जितने भी कपड़े रेनकोट सब पहन के आए थे भाई ने उतार दिया। अब फोटो। और बाय द वे कहीं ऊपर तो जाना है हमें ट्रैक करके, अब हमें भी नहीं पता है कहाँ जाना है। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद फाइनली मंदिर आ चुका है, पहुँच चुका है थोड़ी सी मेहनत के बाद, लड़कों की सांस फूल गई यहाँ पे। नहीं, बाय द वे इस मंदिर के दरवाजे भी बंद हैं, इसके दरवाजे सेप्टेम्बर में खुलते हैं। तो हम जब जो मंदिर गए इसके तरह बंद थे, टूंग नाथ के भी बंद थे, केदार नाथ का प्लान कर रहे हैं, वो भी बंद रहेंगे, खुले होंगे तब जाएंगे। और दिस इज द टेम्पल। या बाय द वे इस टेम्पल में कुछ तो होता है, कील ठोक के विश मांगने वाला ना, पता नहीं क्या है, बस कील ही नहीं हमसे। अभी देखते हैं यहाँ कहीं आसपास कुछ होगा तो। और बाय द वे बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ, सबसे अच्छी बात जो की है। तो दर्शकों ये है वो पेड़ जहाँ पे कील डालते हैं, और साथ में सिक्का भी लगता है यहाँ पे, और मुझे लगा था वैसे पेड़ होगा पर ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। प्रियांश और मुझे लगा था कि ये स्पेसिफिक पेड़ होता होगा, पर ऐसे था तो कोई बात नहीं। और वो हाँ उधर नहीं गाइस, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, घर बना रहे हैं गाइस, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। ये गांव साइड में बना रहा है अपना घर, और प्रियांशु बना रहा है थोड़ा वैसे मार्केट साइड में, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है पर गांव में शांति है, तो ये लोग अपना घर बना रहे हैं गाइस। अगर इन्होंने घर बनाया तो इन्हें वापस आना पड़ जाएगा जब इनका घर बन जाएगा। मैं तो आने को तैयार हूँ, बस घर तो बने, बोले ना तेरे पास इतना बड़ा घर बन जाए, जिगर पड़ोसी हूँ मेरा, और बगल वाले पड़ोसी भी अच्छे हमारे, साथ आएंगे फिर दोनों, है ना, घर बनने के बाद साथ आएंगे क्यों। मैं थोड़ा सा आऊंगा तुझे अलमड़ा में उठाते हुए। चलो गाइस तुम कंटिन्यू करो, जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो बता देना। चलो ए, प्रियांश भाई ग्रैबर से नहीं होगा, गलत बात भाई, कितने घर बनाएगा वही ना, एक शहर में भी छोटा घर बना देगा, अपॉर्चुनिटी छोटा, बहुत छोटा, मार्केट बना रहे हो अपना। अरे ग्रैबर से नहीं होगा भाई, ग्रैबर से सीधा आओ, उस तरफ पड़े हो, दूसरा घर मत गिरा देना। तो गाइस ये है प्रियांश वगैरह, जो प्रियांश ने मार्केट में बनाया वो हमने, मेरे और जिगर का घर वो उधर है, ये वाला मेरा, ये वाला जिगर का है, ये वाला मतलब ये वाला मेरा है, ये वाला जिगर का है, जो हमने काफ़ी दूर गांव में हरियाली के बाद बनाया। प्रियांश भाई ने यहाँ पे
अपॉर्चुनिटी देखते हो प्रियांश भाई ने गांव में नहीं बनाया, लेकिन जिगर और मैंने शांति देखते हो गांव में बनाया। गाइस अभी हम दर्शन वर्शन करके आ गए थे और अभी हम थोड़ा टूर कर रहे हैं जंगलों के, और हमारे साथ है जिगर भाई। जिगर भाई, अरे भाई, जिगर भाई ने भाई हाय हेलो हाय गाइस बोल दिया भाई ने। तो इसके बाद हम जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम घर को जाएंगे, घर को जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे पहले। नहीं नहीं घर में घूमेंगे हम, ये तारे जंगल घूम रहे हैं। आ चुके हैं गाइस, गाइस वो भाई भी आ चुका है गाइस, इंट्रोड्यूस करा रहा है ब्लॉग में। भाई ये है आदित्य भाई, और भाई वगैरह में एडमिशन लेने वाले हैं बीबीए में। ये हमारे दोस्त का भाई है ऐसे। अरे भाई देखो पागल हो रहे पीछे, नजदीकी भाई दिख क्यों नहीं रहे भाई। अच्छा सॉरी, तो गाइस बिल गेट्स, सॉरी बिल गेट्स क्या नाम है उसका, बेयर ग्रिल्स आज कर रहे हैं जंगल में सर्वाइवल अपना। तो यहाँ पे बढ़िया फोटो सेशन चल रहा है लोगों का, जिगर भाई भी अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं यहाँ पे। और ठीक है, मतलब बारिश नहीं हुई आज, जो कि सबसे अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए, और यहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप आई है। बाकी यहाँ आने का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, मतलब 10 किलोमीटर अप्रॉक्स उबड़ खाबड़ वाला रास्ता शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी तो बहुत बढ़िया जगह है ये, और यहाँ पे जिगर द बेयर ग्रिल्स कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने में लगे हैं। बोतल जिगर द बेयर ग्रिल्स कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं जंगलों में। बाय द वे जिगर की नई शर्ट है आज, देख सकते हो भाई ने नई शर्ट लिया है, गिफ्ट दे रखी है हमें, भाई को गिफ्ट दिया एक लड़की ने ये शर्ट। शुक्रिया। तो जिगर भाई ने बोला था मेरी थोड़ी फोटो लो हाई एंगल से, तो मैं ना देख सकते हो हमारी, झूठ बोलना अपने ट्राइपॉड देखे होंगे, इतने वाले ह्यूमन पॉड, ये खुलता भी है। अरे भाई गिम्बल से अच्छा है। गंदे की से सिर्फ बीमारियां मिलती हैं, भगवान नहीं, सही बात है ना। तो यहाँ आके प्लीज गंदा ना करें, और वो रहा मंदिर, अब हम निकलते हैं। तो फाइनली हमारा देवलसरी मंदिर का ट्रिप पूरा हो चुका है, तो गाइस अब जा रहे हैं और मजा आया गाइस, और दो साथी हमारे आगे चले गए हैं, अब हम भी निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं। मैं तो अकेला आया था, नीचे जाते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं, फिर मैगी पॉइंट में खाना खाने का सोच रहे हैं हम। यहाँ तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं हमारा, मैगी पॉइंट या फिर कहीं दिखा अच्छा रहा। हाँ, तो जहाँ पे कुछ बढ़िया खाने का मिल सकता है। हमें दिक्कत ही आई थी, हमारे जो आगे दो लोग चले गए थे, रुकना, तो जो आगे दो लोग चले गए थे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो पंचर है नहीं है, देख रहे हैं हवा भरने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे, साइकिल में भरता था बचपन में ऐसे हवा। बाकी अगर पंचर होगा भी तो हवा भर के थोड़ा नीचे 4-5 किलोमीटर चलने लायक हो जाएगा। और भैया है जिन्होंने हमें पंप दिया, भैया ने हमें पंप दिया। मंदिर के बारे में कुछ बता दो, देवलसरी मंदिर के बारे में मंदिर क्या, कुछ बताओ ना जो हमें ना बताओ, कुछ तो होगी, हमें भी नॉलेज नहीं है ना, हम तो हमसे तो ज्यादा ही होगी आपको है? शुक्रिया शुक्रिया। हवा तो भर दिया यहाँ पे, जिगर भाई ने थोड़ी मेहनत लगाई, पंप मिल गया था हमें, गांव वालों ने पंप दे दिया था। अब देखते हैं ये पत्थर वाला रास्ता कट जाए, बाकी नीचे तो कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा हमें उतर के। तो वापस हमने स्टॉप ले लिया वहीं पे जहाँ पे धारे पे हम जाने से पहले रुके थे, वापस रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, अभी हम नीचे जाएंगे, उसके बाद हम पहले गाड़ी सही कराने की सोच रहे हैं कि मतलब टायर चेक करा लें, उसके बाद कहीं चाय पीने रुकेंगे, और उसके बाद कहीं खाना खाने रुकेंगे, जैसा भी रहेगा सीन। फिलहाल हम चाय की पीने रुकेंगे, जिस गाड़ी का टायर में हवा कम थी उस गाड़ी का टायर जरा हम चेक कर रहे हैं कि क्या सीन रहा। बाकी हम अपनी गाड़ी में भी हवा चेक करा लेते हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी ऑफ रोडिंग करी थी तो हवा में दिक्कत ना आए। पंचर है क्या भैया? तो गाड़ी का टायर तो हम सही कराए थे, यहाँ पे बगल में ढाबे में हम रुक गए थे चाय वाय पीने के लिए, फिर हमने सोचा कि खाना भी खाई लेते हैं क्योंकि सुबह से भूखे थे हम। बाकी टायर तो अभी पंक्चर है नहीं, वो चेक करा जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सही नदी भी बहती है इधर को, देख सकते हो। हाँ, वहाँ से ऊपर को कच्चा रास्ता है, यहाँ से पक्का रास्ता शुरू हो गया है, और अगर कच्चे रास्ते पर जाते हो थोड़ा टायर का देख लेना, क्योंकि हवा निकल भी सकती है, मतलब पंक्चर होना ज़रूरी है कि हवा निकल भी जाती ना ऐसे गंदे रास्ते में ऊबड़ खाबड़ वाले में। बाकी फिलहाल यहाँ पे राजमा चावल खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे को, बस होपफुली बारिश ना हो। वैसे अब बारिश होगी भी तो दिक्कत नहीं, अब तो भिग के भी जाते जा सकते हैं। निकल तो चुके थे वहाँ से, यहाँ पे अभी रिफिलिंग के लिए रुके हैं, और भाई मौसम देख सकते हो कोहरा बहुत ही खतरनाक हो रहा है। बाकी 3 बजे तक वापसी हो गई हमारी, और टेक्निक और लगभग 6 बजे तक हम शायद पहुँच जाएंगे वापस देहरादून। अभी बीच में मैगी पॉइंट पर रुकने का प्लान भी है, थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई है, मज़ा आने वाला है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम लोग आ चुके हैं अभी कहाँ, हम मैगी पॉइंट के पास पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे भुट्टा खाने के लिए रुके हैं, भैया भुट्टा खिला रहे हैं हमें, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, देख सकते हो यहाँ का पूरा माहौल। पर अच्छी बात यह है जाते समय बारिश नहीं थी, वापस आते समय तो क्या ही है, घर जाके सो जाने सीधे। तो बचपन में CID तो देखा ही होगा शायद तुम लोगों ने, प्रियांश जी बताओ। तो भाई जैसे CID कभी इंडस्ट्रीज करने जाती है बारिश में लुक देखो भाई, तो ऐसे बनी नहीं जाती हो, कैप पहन के येलो कलर की रेनकोट पहन के, एक उत्तराखंड पुलिस एक CID, वाह यार कॉम्बिनेशन है। बाकी केस तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले घर पहुँचते हैं। बाकी निकलते हैं अभी, मैंने भी रेनकोट उतार दी, फिलहाल निकलते थोड़ा।
तो फाइनली हमारी मंदिर से वापसी हो चुकी है। सीन ये हुआ था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस चक्कर से हमने फ़ोन साइज से टिक्की में रखी, तो मैंने खास व्लॉग बनाया नहीं। बाकी वापसी हो गई मेरी, कपड़े बदल लेने वाले, कपड़े सुखा दिए, गीले हो रहे थे क्योंकि फिर गए थे ऑब्वियसली। बाकी अभी हम जिगर भाई हम लोग यहाँ पे सीआईटी देख रहे हैं और खाना वाना खा के इसके बाद सोने का प्लान है हमारा। और हम टाइम से गए थे, टाइम से आ गए, जो कि बहुत अच्छी बात रही हमारे लिए। ज़्यादा बारिश हुई नहीं हमारे जाते समय वापसी में हुई। बाय द वे जिस पेड़ की हम बात कर रहे थे कि कॉइन डालने वाला पेड़ होता है, वो भी वहाँ पे था, नीचे पे था वो थोड़ा, तो हम वहाँ गए नहीं। और उसके अलावा ऊपर एक पार्क था जहाँ पे ऐसे जानवरों के स्टैचू ये सब बनाई हैं। हम पार्क में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे एंट्री हो रही थी और जो एंट्री होती है जहाँ पे वो मिल नहीं रहा था हमें कहाँ से हो रही, तो उस चक्कर से हम गए नहीं। और टाइम से वापस आना था क्योंकि प्रियांशु को जिम जाना था भाई को शाम को, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी वापस आ गए। बाकी आज वाली इस वीडियो में यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।